सुधा का नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। सर्दियों में बहुत तरह की हरी सब्जी आती है और हर सब्जी का स्वाद अलग होता है। उन्हीं में से एक है मूली की सब्जी। तो हमारे घर में मूली की सब्जी दो तरह से किस तरह से बनाई जाती है, इसकी रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने तीन मीडियम साइज की मूली पत्तों के साथ ली है। मूली को और पत्तों को मैंने बारीक बारीक काट कर अच्छे से धोकर प्रेशर कुकर में उबालने के लिए चढ़ा दिया है। अब मैंने 3/4 कप दही, जिसको छान लिया था, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया और 1 टेबलस्पून बेसन और नमक स्वादानुसार डालकर उसको अच्छे से मिला लिया है। दही ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, दही का टेक्सचर एकदम स्मूथ होना चाहिए। अब एक कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डालकर उसको अच्छे से गर्म कर लिया है, ताकि तेल कच्चा ना रहे। अब तेल को थोड़ा ठंडा करके मैंने उसमें 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून हींग को डाला है। अब तैयार किया हुआ दही के मसाले को मैंने कढ़ाई में डालकर लगातार चलाते हुए इसको भून लिया है। इधर मूली भी उबलकर तैयार हो गई है। इसको मैंने एकदम अच्छे से निचोड़ लिया है। अब उबाल कर निचोड़ी हुई आधी मूली को मैंने उस भुने हुए दही के मसाले में डालकर अच्छे से मिला लिया है। और उसमें 1 कप पानी डालकर अच्छे से 5 मिनट के लिए पका लिया है। आज आपको मेरी आवाज थोड़ी अजीब लगेगी, क्योंकि मेरा गला थोड़ा खराब हो रखा है। तो तैयार है ये हमारी दही वाली मूली की सब्जी। अब सूखी सब्जी के लिए हम एक कटोरी में 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून काचरी पाउडर, अगर काचरी पाउडर नहीं है तो 1 टीस्पून अमचूर पाउडर और नमक डालकर इसे अच्छे से मिला लेना है। अब एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डालकर इसे अच्छे से गर्म कर लेना है और फिर थोड़ा ठंडा होने के बाद 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून कलौंजी, 1/2 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून हींग डालकर इन्हें चटकने देना है।
और फिर तैयार किए हुए मसाले को हल्का सा पानी डालकर अच्छे से भून लेना है। जब मसाला भुन जाए तब इसमें उबाल कर निचोड़ी हुई मूली को डालकर खूब अच्छे से मिला लेना है। तो तैयार है ये हमारी मूली की सब्जी। मूली की ये दोनों तरह की सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इन्हें ट्राई जरूर करिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में भी कुछ कमेंट जरूर करिएगा।